वो दो रहमतें क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया वयजअलकुम नूरन तमशूना बिही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए नूर बनाएगा जिससे तुम जिसमें तुम चलोगे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे लोगों को, या तो वो लोग जो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर कामिल ईमान रखते थे और उसके बाद नबी आखर हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, या वो मोमिन जिन्होंने पहले तो जाहिरी तौर पर एक आम सादा सा ईमान लाए थे और बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुखलिसाना ईमान लाए जिसके अंदर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इशारों को पानी किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो उनके लिए ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए एक नूर बना देगा। अब वो नूर ऐसा होगा कि जो मैदान कयामत में उनके काम आएगा, उनकी रहनुमाई करेगा। उस नूर की रोशनी में वो पुल सिरात को पार करेंगे, उस नूर की रोशनी में वो मैदान हशर में पहुंचेंगे और फिर उसी नूर की रोशनी में वो जन्नत में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। वयग़फिर लकुम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो ये दो नूर अता होंगे जब कोई बंदा ईमान लाएगा, एक ईमाने मुजबिन होगा और एक ईमाने मुफस्सल होगा। ईमान मुजबिन पर एक नूर मिलेगा और ईमान मुफस्सल पर एक अलग नूर मिलेगा। तो दो नूर मिलेंगे ईमान वालों को और इस नूर की रोशनी में वो सारे का सारा ये सफर तय करेंगे। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत करीमा को खत्म फरमाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मेहरबानी से, अपनी मग़फ़िरत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें अपनी मग़फ़िरत अता की और अपनी मेहरबानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे दिलों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर डाला, आपका ईमान डाला और तुम्हें बा ईमान और मोमिन बनाया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी है तुम पर। हज़रात गिरामी, 75वीं आयत करीमा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फला ततनाजौ बिल्इस्मि वल उद्वान ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालों, इज़ा तनाजैतुम, जब तुम आपस में कोई मशवरा करो, फला ततनाजौ बिल्इस्मि वल उद्वान, फला ततनाजौ बिल्इस्मि वल उद्वान, तो गुनाह वाला और हद से बढ़ने वाला मशवरा ना करो। वमासियत रसूल, और ऐसा मशवरा ना करो जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत हो, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की जो है वो हुदूर हो। वतनाजौ बिल्बिर व तक्वा, और मशवरा करो तो वो नेकी वाला और तकवे वाला, और नेकी और परहेजगारी वाला मशवरा करो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से जिसकी तरफ तुमने उठाए जाना है, जिसकी तरफ तुमने जाना है। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों को यह हुक्म दिया है कि ऐ मोमिनों, जब भी तुम कोई मशवरा करो, कोई कमेटी बनाओ, कोई तंजीम बनाओ, किसी तरह की कोई गैदरिंग करो, कोई जलसा करो, कोई जुलूस करो, तो इज़ा तनाजैतुम फला ततनाजौ बिल्इस्मि वल उद्वान, तो तुम्हारा वो मशवरा, तुम्हारी वो कमेटी, तुम्हारा जलसा, तुम्हारा जुलूस ऐसा न हो कि जो जिसके अंदर गुनाह हो और जिसके अंदर सरकशी हो। ऐसा कोई भी मशवरा, ऐसा कोई भी जलसा, ऐसा कोई भी जुलूस, उससे मना फरमाया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों को मना फरमाया है। आजकल आप देखते हैं कि जितने भी जलसे होते हैं, जितने भी जुलूस होते हैं, जितनी भी कमेटियां बनती हैं, जितनी भी तंजीमें बनती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मस्जिदों की कमेटियां भी वो नेक
نیک نیتی پر اور تقوی پر جو ہے وہ مشتمل نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی کسی نہ کسی شرارت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ابھی جو سیاسی جلسے ہیں ان کے اندر لڑکیوں کا نچانا مخلوط جو ہے وہ گیدرنگ کرنا مخلوط جلسے کرنا جس کے اندر عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے پھر وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی اسی آیہ کریمہ کے تحت آتا ہے کہ یہ جلسے بھی گناہ کا کام ہے اور سرکشی کا کام ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا بیٹھنا حرام ہے تو ان کو جو اکٹھا بٹھاتا ہے جو ان کو اکٹھا بنانے کا سبب بنتا ہے جو تنظیم جو کمیٹی جو پارٹی ان کو اکٹھا کرتی ہے وہ اس گناہ کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرتی ہے اور وہ سراسر گناہگار ہیں, جلسہ کرانے والے گناہگار ہیں, جلسہ کرنے والے گناہگار ہیں, جلسے میں شامل ہونے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ اس کا سبب بنتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ان پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کا اور سرکشی کا کام نہ کریں. اگر وہ مشورہ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ نیکی کا مشورہ کریں, تقویٰ کا مشورہ کریں, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو وہ مشورہ کریں. لیکن یہاں پہ تو سارے کا سارا جو مشورہ ہے وہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے, اپنی حکومتوں کی رکھوالی کے لیے کیا جاتا ہے. ہم کسی پارٹی کے نصاب نہیں ہیں, یہاں اب تک جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے اسلام کا کوئی کام نہیں کیا, نہ کوئی اسلام کا قانون لاگو کیا ہے, اسلام کو صرف استعمال کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, کوئی بھی نام لے کر انہوں نے اسلام کو استعمال کیا ہے لیکن نہ مسلمانوں کو ان سے فائدہ پہنچا ہے اور نہ اسلام سے فائدہ پہنچا ہے. جو پارٹی بھی آتی ہے وہ اسلام کا نام لے کر آتی ہے اور اسلام کو استعمال کرتی ہے. جو گئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی غلام کسی نہ کسی کے غلام تھے, جو آئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے غلام ہیں, جانے والے جو ہیں جو آیا ہے وہ پہلوں کو غدار کہتا ہے اور جو گئے ہیں وہ اب ان کو غدار کہتے ہیں. تو یہ رید ہے یہاں کی سیاست کی, تو یہاں کی آپ کی سیاست جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اور پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے, اس آیہ کریمہ کا وہ مصداق بنتی ہے کہ وہ گناہ کے اوپر لوگوں کو مشورہ دیتی ہے, گناہ کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے, گناہ کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور گناہ کا سبق دیتی ہے. پھر اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرو, برائی سے بچو, تو اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو یہاں کوئی پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا. صرف باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو حضرات گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں, جب تم کوئی مشورہ کرنے لگو تو پھر وہ مشورہ نہ کرو جس کے اندر گناہ ہو اور سرکشی ہو اور معصیت رسول اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو, تو وہ مشورہ بھی نہیں کرنا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. جب چلے جاتے ہیں تو پھر نظام اسلام کی بات کرتے ہیں, نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں کرتے, کوئی حکم لاگو نہیں کرتے. بلکہ یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ مسجدوں کو گرایا گیا, مدارس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی, تو یہی مشورہ ہے جو وہ لوگ گناہ کے اوپر عدوان کے اوپر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے. ارشاد فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کیا کرو, یعنی مسلمان جب بھی بیٹھے, دو مسلمان بیٹھے, پانچ بیٹھے, دس بیٹھے, تو ان کو نیکی اور تقوی کا مشورہ کرنا چاہیے. اسی طرح مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو بھی نیکی اور تقوی کا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسباب لگانے چاہیے اور اس کے لیے کام کرنے چاہیے, اس کا مشورہ کرنا چاہیے, اس کے مواقع مہیا کرنے چاہیے. مساجد کے اندر ایسے جو ہے وہ پروگرام ہونے چاہیے کہ جو نیکی اور تقوی پر ابھارے, نیکی اور تقوی لوگوں کو سکھائیں, نیکی اور تقوی کا راستہ بتائیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, تو
उस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम सब ने इकट्ठे होके जाना है। तो आखिरकार जब तुम सब ने अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास ही इकट्ठा होना है तो फिर गुनाह का मशवरा क्यों करते हो, सरकशी का मशवरा क्यों करते हो, जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला जो रास्ता है वो क्यों इख्तियार नहीं करते। मशवरा वो करो कि अल्लाह सुबहानहू व तआला की बारगाह में तुम्हारी कबूलियत हो, अल्लाह सुबहानहू व तआला की बारगाह में तुम्हारी सुरखुरी हो। ऐसा ना हो कि अल्लाह सुबहानहू व तआला, हम अपने आप को अल्लाह सुबहानहू व तआला का बंदा कहें कि हम अल्लाह के बंदे तो हैं, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला के अकवाल और अल्लाह सुबहानहू व तआला के अहकाम जो है उनसे हम रुगर्दा नहीं करें और जो है जब मौका आए तो हम फिर शर्मिंदा। इसी आयत करीमा को मजीद आगे इरशाद फरमाया, इन्नमन नजवा मिन शैतानी, वो मशवरा तो शैतान ही की तरफ से है, यानी वो जो उद्वाद का मशवरा है, सरकशी का मशवरा है और गुनाह का मशवरा है वो शैतान की तरफ से है। लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि वो मुसलमानों को गमगीन करे, मुसलमानों को अफसरदा करे, मुसलमानों को परेशानी पहुंचाए। वलैसा बिदारिहिम शैयन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और कोई नहीं नुकसान दे सकती कोई शय भी मगर अल्लाह के हुक्म से। वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून, और अल्लाह ताला पर भरोसा और मोमिन जो है वो अल्लाह सुबहानहु व तआला पर और मोमिनों को मुसलमानों को अल्लाह सुबहानहु व तआला ही पर भरोसा करना चाहिए। हजरत गिरामी, भरोसा जो है ये दो तरह का होता है। एक भरोसा ये है कि बंदा दुनिया के सारे असबाब छोड़ दे, बिल्कुल अलग थलग हो जाए और अल्लाह सुबहानहु व तआला पर भरोसा करे, तो ये भरोसा जो है इसकी हर बंदा ये भरोसा नहीं कर सकता। ये खास लोग हैं अल्लाह सुबहानहु व तआला के जो दोस्त हैं जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं वो ये भरोसा कर सकते हैं, और उनमें भी कोई हर कोई ये भरोसा नहीं कर सकता। दूसरा भरोसा वो है कि हम असबाब का सहारा लें, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं हम उनको हासिल करें और फिर अल्लाह सुबहानहू व तआला पर भरोसा करें। हम गिज़ा खाएं कि हमें इससे ताकत मिले, लेकिन असल ताकत पहुंचाने वाला अल्लाह सुबहानहू व तआला है। हम अपनी गाड़ी को ताला लगाएं और भरोसा अल्लाह सुबहानहू व तआला पर करें। अपने घरों को महफूज करें, कुंडियां लगाएं, ताले लगाएं चोरों से बचने के लिए, लेकिन असल भरोसा जो है वो अल्लाह सुबहानहू व तआला ही पर होना चाहिए। तो ये दो तरह का भरोसा है। हमको जो भरोसे हमको जिस भरोसे का हुक्म दिया गया है वो ये है कि असबाब हमारे सामने हों और असबाब इख्तियार करने के बाद हम अल्लाह सुबहानहू व तआला पर भरोसा करें। हजरत गिरामी, 76वीं आयत करीमा उसमें अल्लाह सुबहानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफस्सहू यफस्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला अंशुज़ू फअंशुज़ू यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ और अल्लाह वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू, जब तुम्हें कहा जाए कि महफिल के अंदर फैल के बैठो, फिल मजालिसी मजलिसों में खुले होकर बैठो, फफस्सहू तो तुम खुले हो जाया करो, यफस्सहिल्लाहु लकुम और अल्लाह तुम्हें जगह देगा, वैदा की नंशुजु और जब तुम्हें कहा जाए महफिल में उठ जाओ, फंशुजु तो उठ जाया करो, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह सुबहानहु व तआला तुम्हारे ईमान वालों के और उनके, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, जिनको इल्म दिया गया है दरजे बुलंद फरमाएगा, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर और अल्लाह जानता है और अल्लाह तुम्हारे कामों की खबर रखता है। हजरत गिरामी, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल यह है कि हमारे आका मौला सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप असहाबे बदर की बहुत इज्जत किया करते थे। असहाबे बदर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो 313 सहाबा इकराम थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना माल भी कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, अपना वतन भी कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इनको बहुत इज्जत और मर्तबा अता फरमाया है, यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान ग़ज़वा-ए-बदर के बाद जब जंग-ए-बदर हो गई
तो उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बदरी सहाबा जो जंगे बदर में शहीद हुए हैं, आज के बाद खुदा न खास्ता अगर इनसे किसी किस्म का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको अभी से बख्श दिया, वो गुनाह इनकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा। तो ये उनका मकबर मकाम है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 313 सहाबाए किराम को बहुत इज्जत दिया करते थे, उनका बहुत लिहाज किया करते थे, उनका बहुत ख्याल किया करते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बदरी सहाबा बैठा करते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाया नहीं करते थे। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग जो देहातों के रहने वाले थे, जिनको हम बद्दू कहते हैं, वो लोग आके बैठे हुए थे। तो जब बातचीत जो है वो लंबी हो गई और इतने में कुछ बदरी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आ गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो पहले से बैठे हुए बद्दू सहाबाए किराम थे, बदरी सहाबाए किराम थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने मजलिस से उठा दिया इनकी इज्जत के लिए। तो वो जो लोग थे वो कम तालीम याफ्ता थे, तो उन्होंने इस बात को जरा महसूस किया कि हम पहले से बैठे हुए थे और हमें उठा दिया गया। उस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत करीमा इरशाद फरमाई कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में जगह दो तो जगह दिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि बदर के सहाबा जो आए हैं इनको जगह दो, तो फिर उनको जगह दो, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। फफसहू, तो फैल जाया करो, यफसहिल्लाहु लकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जगह देगा। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो मजालिस है उनसे बिल्कुल उठा दिया जाता है, लेकिन जो इज्जत वाले हैं उनका एहतराम किया करो और उनको बाकायदा जगह दिया करो। वैदा की लम शुरू फम शुरू, और जब तुमने कहा जाए कि उठ जाओ तो फिर उठ जाया करो। या फाइल्लादीना आमनो मिनकुम वल्लदीना कुतुल इल्मा दरजा वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। बिरादरान इस्लाम, अहले सुन्नत वल जमाअ, अफ्तारी का वक्त हो गया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस आयत करीमा का बाकी मज़मून कल बयान किया जाएगा। अभी आप अफ्तारी की जगह में तशरीफ ले जाए, अफ्तारी का ऐलान कर दिया जाएगा, उस वक्त आप अफ्तारी कर लेना। माशाल्लाह, 24 रमजान मुबारक। اللهم إني لا قسمت بابك من تو عليك توكلت وعلى رزقك افترضت آج قصیدہ مقدار موجود ہے ساری جگہ پر ऐसे तो करना पहला।